चालू तो बढ़िया। सब क्या बारह रबी अव्वल शरीफ को क्या अहतमाम होता है यहाँ मियाँ जी? जैसे कि आप सबको मालूम है कल 12 रबी अव्वल है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जैन दिन है कल। हाँ, उसके वसीले से जो भी है रात को आज शब लग जाएगी 12 तारीख की। हाँ, तो बाद नमाज मगरिब के सलाम होगा और बाद आस्थान मामूल के रात को महफिल होगी। और जितनी भी सजावट आपको दिख रही है सो हमारी जो अंजुमन कमेटी है अल्लाह ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तरफ से पूरा अहतमाम करा गया है और लंगर का भी होता है। वैसे तो माशाल्लाह 12 महीने होता है यहाँ पर, लेकिन जो है आज भी प्रोग्राम है, रात को भी लंगर होगा, कल भी होगा, कल जुलूस होगा, सुबह 9 बजे चालू होगा, दोपहर के वक्त ख़त्म हो जाएगा वो। और जो भी है हुज़ूर करीम नवाज़ की बारगाह में जितने भी चाहने वाले आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ईद उल मिलादुन नबी करने के लिए यहाँ पर आते हैं जी। और ये बारगाह ऐसी है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह सब आते हैं, सब अपनी मन्नत मुरादें लेके आते हैं, वो पूरी होती है। गरीब नवाज सबकी परेशानी को दूर करें, सबको अपनी पनाह में रखें। ये सजावट का खास अहतमाम कुछ खास होता है 12 रबी अव्वल है, इसमें कराया जाता है, हमारी कमेटी की तरफ से कराया जाता है। कल जुलूस भी निकलेगा मियाँ साहब और कल गणेश विसर्जन का भी प्रोग्राम है, ऐसे में आप क्या अमन शांति का पैगाम देना चाहेंगे इस आस्था में? जो भी प्रोग्राम है हिंदुओं के भी जो प्रोग्राम है सब अमन शांति से हों, और जो भी मुसलमानों के प्रोग्राम है वो भी अमन शांति से हों सारे के सारे। ऐसे ख्वाजा साहब पे दुआ कर दीजिए। बिल्कुल गरीब नवाज जितने भी चाहने वाले हैं आपके हजू सबकी हाजिरी को कबूल अता फरमाइए, अता फरमाइए सबकी परेशानियों को दूर अता फरमाइए। आपकी बारगाह में जो भी मन्नत मुराद है, जो भी मनोकामना लेके आते हैं मेरे मौला, उनको पूरा अता फरमाइए। आपकी बारगाह में कामयाबी सब ला करें। ला इलाहा इल्लल्लाह।